गुड इवनिंग एवरी वन अगेन एंड वेलकम टू टूडेज क्लास। सो आज हम लोग क्लास में नंबर सीरीज ही कंटिन्यू करेंगे। कल ऑलरेडी हमने कुछ कुछ पार्ट कर लिया था, जैसे कि डिफरेंस पूरा खत्म कर दिया था, मतलब जिसने जितना इस प्रेजेंटेशन में है एटलीस्ट ये सारा हो गया था। और उसके ऊपर और कुछ पैटर्न देखा था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि ये वाला पैटर्न, ये वाला जो अभी स्क्रीन में है और ये वाला, ये दोनों आपको थोड़ा बहुत याद होने वाला जैसा, एटलीस्ट मेमोराइज थोड़ा नंबर्स देख लेना कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर ये भी हो गया था, ये सारा कंप्लीट हो गया था। अब आज हम लोग मल्टीप्लीकेशन पे जाएंगे। सो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, स्टार्ट करते हैं ना क्लास, कैन आई स्टार्ट द क्लास? ओके। सो मल्टीप्लीकेशन में क्या है, पैटर्न जो रहेगा वो मल्टीप्लाई होते रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, जैसे ये वाला नंबर सीरीज यहां पे देखो, आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे मल्टीप्लाई हुआ है टू से। गड़बड़ कर दिया, ये देखो गलत लिख दिया, रुको जस्ट एक मिनट। ये देखो, ये वाला नंबर सीरीज देखो, यहां पे देखो क्या हुआ है, टू से मल्टीप्लाई हुआ है, यहां पे मल्टीप्लाई हुआ है फोर से, यहां पे हुआ है सिक्स से, इधर हुआ है एट से, और यहाँ पे हुआ है 10 से। तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, ठीक है। अभी वो नंबर क्या होगा वो तो हमको प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर करके हमको धीरे धीरे पता चलेगा क्या क्या नंबर आ सकता है, बहुत सारा टाइप है। नंबर सीरीज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कैसा क्वेश्चन आएगा, एग्जामिनर को जैसा मन करेगा वो वैसा ही आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। बट प्रैक्टिस से बहुत इंप्रूव हो सकता है नंबर सीरीज में। इनिशियली आप लोग जो लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनको मिसिंग नंबर बहुत इजी लगेगा, बट रॉन्ग नंबर में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। सो रॉन्ग नंबर सीरीज में प्रैक्टिस के साथ इट विल इंप्रूव, डोंट वरी, ठीक है। मैं आपको ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा रॉन्ग नंबर इजीली आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। चलो सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कीजिए, मैं आपको फिर आंसर बताता हूँ, इसको कीजिए। गुड इवनिंग प्रकाश। प्लीज डू दिस, सॉल्व दिस। हाँ करेक्ट, सही, 1560। यस, प्रियंका, शिवशी, संतोष, करेक्ट, 1560 इज द राइट आंसर। और किसी का नहीं है, बस तीन लोगों का। यस, वेरी गुड, ठीक है। सीरीज को देखिए अच्छे से, 13 13, 26 78, 312 डैश, ये वन टाइम है, 13 into 1, ये है 13 into 2। गुड इवनिंग कोमल, ये है 26 का 3 टाइम्स है ये, ठीक है। 26 का 3 टाइम्स है 78। देखो अभी ये वाला तो आप तुक्का मार दो अगर समझ में नहीं आ रहा है, 1 2 3 है तो उसके बाद 4 ही होगा ना, और तो कुछ हो नहीं सकता है, 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5। 312 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई 5 से कैसे करते हैं, पहले नंबर को हाफ करो, 3 312 का हाफ कितना है, 156, एक जीरो लगा दो, 1560। ओके, वेरी नाइस, करेक्ट, ठीक है। ये वाला
करेक्ट, वेरी सिर्फ एक एक इंसान का ही आंसर है। एनीवन एल्स व्हाट द आंसर? आंसर तो करेक्ट है। देखो इसमें क्या है ना, कभी कभी प्रॉब्लम होता है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन करने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये वाला मल्टीप्लिकेशन तो बहुत आसान है। 4.25 का डबल होता है 8.5। 4.25, 8.5, 34, 204, 1632 और डैश। 4.25 और 8.5 मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है। 4 का डबल 8, 0.25 का डबल 0.5, तो इसमें मतलब डबल हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, 8.5 का डबल 17 होता है, 8.5 का डबल 17 होता है, और ये नंबर 17 का डबल है, तो मतलब ये 4 टाइम्स है, ठीक है। 2 4, ये देखो, ये आप ध्यान से देखेंगे तो 30 का 6 टाइम्स होता है 180। मैं बोल रहा हूँ कि 30 का 6 टाइम्स होता है 180, और 4 का 6 6 गुना होता है 24। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 204 आएगा, 204। तो ये मतलब 6 6 बार मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और ये 200 का 8 बार 1600, और 4 का 8 बार 32, तो 8 बार, तो 2 4 6 8, उसके बाद क्या होगा, 10। सारा इवन है ना, 2 4 6 8 10, 10 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, 0 लगा, ठीक है, क्लियर है ना। मल्टीप्लीकेशन आपको ज्यादा इजी लगेगा कंपेयर टू अदर, मतलब अदर मेथड्स, चलिए ये वाला बनाइए। आपको मेरा गाना डिस्टर्ब होने से आप म्यूट कर देना, ठीक है। बनाइए बनाइए, थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्राई करो, आराम से सोचो। सर, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर रूट? विथ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आई विल टेल यू, आई विल टेल यू, वेट, देयर आर मेनी थिंग्स आल्सो व्हिच यू कैन आइडेंटिफाई। फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन, सी दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली, देखो 1540 डैश। इन दिस क्वेश्चन इफ यू नोटिस, सी फर्स्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे माइनस प्लस का खेल चल रहा है, अगर ऐसा लगता है कि माइनस हो रहा है प्लस हो रहा है, तो आप गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस हो रहा है तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस ही हो रहा है। ऐसा तो कभी नहीं होगा ना कि एक बार माइनस हुआ फिर प्लस प्लस होते रहेगा, वो तो कोई पैटर्न ही नहीं है। मतलब दिस इज 100%, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है 100%, क्योंकि एक बार माइनस हो रहा है, बार बार प्लस नहीं होगा। हो सकता है
माइनस प्लस का पैटर्न बैठ सकता है, बट माइनस प्लस प्लस का कोई पैटर्न ही नहीं है, ठीक है? सो दिस इज वन थिंग. वन मोर थिंग, इट्स अ गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड. मैंने ये चीज, इज इट 0.5 प्लस 0.5, आई हां, यू यू ट्राई, यू ट्राई टू फाइंड द आंसर. वन मोर थिंग, आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिख किया होगा ना शायद. सी इन दिस क्वेश्चन इफ यू सी, देखो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा. सी इफ यू कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई अ नंबर बाय अनदर नंबर, तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, नंबर्स इंक्रीज होते रहेगा हमेशा, ठीक है? इफ यू सी दिस सीरीज, देखो इस सीरीज को देखो अच्छे से एक बार. ये सीरीज 4.25 से स्टार्ट हुआ है, बट ये सीरीज चला गया कहां पे, 1600 में. ऐसा एडिशन में तो नहीं हो सकता है ना. एडिशन में हो सकता है अगर स्क्वायर क्यूब ऐड हो रहा है, ठीक है? वही चांस है कि अगर कोई नंबर का क्यूब ऐड हो रहा है, बिकॉज क्यूब बहुत बड़ा बड़ा नंबर होता है, वो हो सकता है. बट नहीं तो नहीं हो सकता है. इतना एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है, मतलब एब्रप्टली मतलब मतलब सडनली, इतना सडन इंक्रीज होना, मतलब ये 100% मल्टीप्लीकेशन का केस है, ठीक है? ठीक है, उस तरह से समझ में आता है. इस क्वेश्चन को देखिए, 13 से स्टार्ट हुआ था, पहले 13 के पास रहा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर बहुत बढ़ गया, फिर और भी बढ़ गया. तो जैसे ही ज्यादा इंक्रीज होता है, मतलब मल्टीप्लाई करने से नंबर्स बहुत जल्दी इंक्रीज होता है ना, सो दैट इज द वे यू कैन आइडेंटिफाई. और जब आप एडिशन देखेंगे, जैसे कि कल हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, देखो एडिशन में देखो सारा नंबर आसपास ही है, देखो 189, 191, 194, 219, सारा सामने सामने नंबर है. इसमें भी देखो सारा आसपास नंबर है, इसमें भी देखो सारा नंबर आसपास ही है ना, जीरो से स्टार्ट हुआ, 100 तक ही गया, 1000 तक तो नहीं चला गया ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर. Yes. So if it is multiplication, the numbers will rise abruptly, sudden increase हो जाएगा, ठीक है? And if it is addition subtraction, the numbers will be like very near. But there is one exception also, कि अगर cube वगैरह add हो रहा है तब बहुत ज्यादा increase हो सकता है, ठीक है? See here also, see the numbers. ये सब addition का था ना, देखो सारा number आसपास है. इसमें देखो सारा number आसपास ही है. But अगर abruptly increase होता है number, तो obviously it is multiplication, ठीक है? So, ये वाला क्या पैटर्न है, कैसे आइडेंटिफाई करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन है. मैंने बताया, क्योंकि एक बार माइनस होने से बार बार प्लस तो नहीं होगा, दैट इज नॉट ए पैटर्न. तो मल्टीप्लीकेशन क्या, मल्टीप्लीकेशन है, देखो अभी नंबर 17 से 9 हो गया, 17 का आधा कितना होता है, 8.5 होता है, 8.5. तो मतलब क्या हुआ है, देखो इंटू 0.5, इंटू 0.5 मीन्स इंटू हाफ प्लस 0.5, यही हुआ है ना. 17 को इंटू 0.5 करने से क्या होगा, 17 को इंटू 0.5 करने से क्या होगा, 8.5 प्लस 0.5, 9, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ है बोलो, टेल मी व्हाट इज द पैटर्न देन. 9 और 15 में क्या पैटर्न है बोलो. प्रियंका टेल मी, गॉट द आंसर? नो. Yes, into 1.5 plus 1.5. Exactly. ये हुआ है into 1.5 plus 1.5. ठीक है? Into 1.5 plus 1.5. 9 को 1.5 से मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा? 9 ones are 9 और 9 into 0.5 कितना होता है? 4.5. So ये क्या आएगा? 13.5. तो into 1.5 मतलब 13.5 plus 1.5 मतलब 15. अभी पैटर्न मिल गया. Into 0.5 plus 0.5 into 1.5 plus 1.5, तो ये obviously क्या होगा? Into 2.5 plus 2.5. आप चेक कर सकते हैं 15 into 2 कितना है, 30, और 15 का आधा कितना है, 7.5. तो 37.5, मैं बता रहा हूँ कि 15 into 2.5 जो है, इसको आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं ना, 15 into 2 plus 0.5, यानी कि 15 into 2 30 plus 15 का आधा कितना है, 17.5, मतलब 37.5. तो 15 into 2.5 37.5 plus 2.5 40. तो यहाँ पे क्या होगा, into 3.5 plus 3.5, यही होगा. तो 40 into 3.5 कितना होगा बोलो तो, tell me. Except Priyanka, not Priyanka. Please others, please tell me what will be 40 into 3.5. Calculate करके बताओ. 140 होगा ना. हाँ ठीक है, 140 का तीन गुना कितना होता है, 120, और 40 का आधा कितना होता है,
40 का 3 गुना 120 और 40 का आधा 20, तो 120 और 20 मिलके कितना होगा, 140, 140, 140 प्लस 3.5 इज 143.5। ठीक है, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, हाउ टू आइडेंटिफाई दिस मल्टीप्लीकेशन। मैंने आपको बोला एक बार माइनस हुआ है तो ऐसे कंटिन्यूअसली प्लस नहीं होगा, इट मेक्स नो सेंस, कोई सेंस नहीं है। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आपको समझ में आया ना ये चीज। टेल मी, इफ यू अंडरस्टूड देन वी कैन मूव। यस, ओके, रिमेंबर दिस। ओके, रिमेंबर मतलब रिमेंबर क्या करना है, थोड़ा देख लेना कि पैटर्न कैसे बैठ रहा है। ठीक है, चलो ट्राई ट्राई दिस वन, ट्राई करो ट्राई करो, नहीं होने से घबराना मत, ट्राई करो। ये सब मल्टीप्लीकेशन ही है, ठीक है, सारा मल्टीप्लीकेशन है। आज वाइसलोन सर का तबीयत बहुत खराब है, सर को मुंह से मतलब ही कांट स्पीक इवन प्रॉपरली, उनका बहुत बुखार हो गया। कल भी तबीयत खराब था ना सर का क्लास में। कल रीजनिंग का क्लास किसी ने किया होगा तो उनको पता होगा, सो आज में भी क्लास नहीं होगा, बट आज कल अगर ठीक हो जाता है तो कल क्लास होगा रीजनिंग का। थर्टी टू नहीं होगा, हाँ 212, 212 कैसे होगा, 213 होगा, 213 सही है, हाँ 213 सही है। सही है, 213 सी। मल्टीप्लीकेशन एक ऐसे पता चला, देखो अगर एडिशन होता, सपोज आप मान लो कि एडिशन होता, जस्ट इमेजिन करो कि एडिशन होता, एडिशन होने से कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ऐड हुआ है 5.5 और यहाँ पे ऐड हो गया है आपका 12, ऐसा हो सकता है क्या? कोई पैटर्न ही नहीं बैठेगा, एक बार डेसिमल है फिर होल नंबर है फिर बार बार होल नंबर है, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं बैठेगा। ठीक है, इसमें नहीं बैठेगा, कभी कभी बैठ सकता है, ऐसा नहीं है हमेशा नहीं बैठेगा। तो मल्टीप्लीकेशन है, देखो क्या मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाइड बाई टू, 3.5 का डबल कितना होता है 7 प्लस 2 9, 9 का डबल कितना होता है 18 प्लस 3 21, यहाँ पे देखोगे तो 21 का डबल होता है 42 प्लस 5 47, यहाँ पे देखोगे तो 47 का डबल होता है कितना, 47 का डबल कितना होता है बोलो, 94 प्लस 7, ठीक है, तो देखो ऐड क्या क्या हुआ है, 2 ऐड हुआ है, 3 ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है, 7 ऐड हुआ है। नाउ यू टेल मी क्या ऐड होगा, इनटू 2 प्लस हाउ मच विल बी एडेड, टेल मी। टेल मी, इनटू 2 प्लस 11, आपका तो आंसर आ गया ना। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये प्राइम नंबर्स है ना, 2 3 5 7 फिर 11, तो इनटू 2 प्लस 11 होगा, तो 202 प्लस 11 यानी कि 213। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो टेल मी इफ यू आर गेटिंग इट और नॉट।
लेवल ज्यादा हो रहा है क्या? ऐसा ही क्वेश्चन आता है यार, अभी क्या कर सकते हैं? मैं आपको जबरदस्ती तो इजी इजी क्वेश्चन करा के फायदा नहीं है ना। ठीक है, आप लोग देखते रहो बस, पैटर्न कैसे बैठ रहा है, क्या क्या हो रहा है। ठीक है, फिर फर्स्ट टाइम में ऐसे ही होता है, समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पर देखते रहो आप। ठीक है, और ट्राई करो खुद तो आइडेंटिफाई करने का। ये वाला करो, ये करो, ये जल्दी बन जाएगा। लेवल आपको तो ठीक ही लगेगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम लग सकता है, फर्स्ट टाइम लर्नर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। नहीं, और किसी का आंसर नहीं है। वन टू 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 नाइन। संतोष आंसर क्या है? टू टू फोर वन नाइन इंटू 11+1 होगा ना, है कि नहीं? देखो, 9, 19, 58, 291, 2038, फिर डैश। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। इंटू 2+1, 9 का डबल 18+1 19, 19 का ट्रिपल होता है 57+1 58। ये कैसे आइडेंटिफाई होगा? देखो, 2 3 आ गया ना, फिर या तो 4 आ सकता है नहीं तो 5 आ सकता है, दो ही चांस है, या तो 4 आएगा नहीं तो 5 आएगा। तो 4 तो नहीं है, 4 तो नहीं है, और +1 है तो 5 हो सकता है, क्योंकि 5 होने से 0 आ जाएगा, +1 1 आता है। ठीक है, सो वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इंटू आप 58 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो लास्ट डिजिट 0 आएगा। 5 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से लास्ट डिजिट 0 ही आता है, मतलब इवन नंबर्स में, ऑड नंबर में नहीं आता है, बट इवन नंबर्स में तो आता है। तो 0+1 ही 1 आएगा, मतलब ये इनटू 5+1 है। अभी आंख बंद करके करो, देखो 2 3 5 आ गया, तो नेक्स्ट ऑब्वियसली 7 आएगा ना, ये तो कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं था। अगर 2 3 5 आया तो नेक्स्ट तो 7 आएगा, और प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 11, इनटू 11+1। 2038 को 11 से मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? 2 और 8 को लिखो, 8+3 11 कैरी 1, 3+0 3 4। ठीक है, 0+2 2, तो 2 2 4 1 8+1, मतलब 2 2 4 1 9। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है ना, चिरोजी और संतोष, देख लो आप लोग, ये प्राइम नंबर का वो था पैटर्न, प्राइम का पैटर्न बैठेगा। ये वाला करो, जल्दी करो, इजी इजी क्वेश्चन है, जल्दी करो। यस, वेरी गुड, 1072 करेक्ट।
वेरी गुड यार, वेरी फास्ट। यस 1072 बहुत आसान है। 3 10 34 111 300 50 और डैश 349 फिर डैश। देखो आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये इसका ये 10 जो है इसका 3 टाइम्स के पास है। 34 भी इसका 3 टाइम्स के पास है 10 का। 111 इसका 3 टाइम्स के पास है और 349 भी इसका 3 टाइम्स के पास है। सो 3 टाइम्स के पास है मतलब इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 34 इंटू 3 होता है 102। 102 प्लस 9 ठीक है, ये होता है इंटू 3। 111 का 3 टाइम्स कितना होगा 333 प्लस कितना है 3 3 3 प्लस 16 है ये। तो नेक्स्ट नंबर बताओ जिनका आंसर आया वो लोग मत बताना। इंटू 3 प्लस क्या होगा बोलो, टेल मी व्हाट विल बी द नेक्स्ट वन। इंटू 3 प्लस हाउ मच। 16। नो नॉट 16, 16 तो आ गया ऑलरेडी, ऊपर देखो 16 है ना। देन व्हाट 25। 25 वेरी गुड। कैसे आया ये 1 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट क्या आएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है 349 का 3 टाइम्स होता है आपका 1047। 1047 प्लस 25 तो 1072 आएगा। क्लियर है ना? ठीक है, इसमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, मल्टीप्लीकेशन है। देखो नंबर्स पहले थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और ज्यादा इंक्रीज हुआ और ज्यादा इंक्रीज हुआ और ज्यादा इंक्रीज हुआ, ठीक है, बट यहाँ पे उतना इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था, हमेशा 3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उतना इंक्रीज कैसे होगा। ठीक है, इज इट क्लियर, कैन आई मूव फॉरवर्ड। जस्ट लेट मी चेक वंस कितना क्वेश्चन है। आज हम लोग इसको खत्म कर देंगे मिसिंग नंबर को, ठीक है। ट्राई विल ट्राई टू कंप्लीट द मिसिंग नंबर सीरीज। आपका पास 2 दिन है, मैं आपको कल मिसिंग नंबर के ऊपर एक शीट दे दूंगा, उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करना, प्रेशर लेने का जरूरत नहीं है। कैन आई मूव फॉरवर्ड, हो समझ में आया ना ये क्वेश्चन। क्या कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, डाउट ही किया इसमें। ये वाला हाँ सही है, 602 नहीं 1490 सही है, सही है। इंटू 5 प्लस 10 होगा तो 1480 प्लस 10 1490। वेरी गुड प्रियंका, आपने इसमें कौन सा पैटर्न लगाया?
ऐसे दो लोगों का आंसर आ रहा है यार, क्या हो गया आप लोगों को? इनटू वन माइनस टू, कहाँ इनटू वन माइनस टू कहाँ हो रहा है? इनटू वन प्लस टू, इनटू टू प्लस टू कहाँ हो रहा है? इनटू टू प्लस फोर ही हो रहा है। हाँ प्लस फोर, सॉरी इनटू थ्री माइनस सिक्स, या इनटू थ्री प्लस सिक्स, प्लस सिक्स इनटू वन प्लस टू, सेवन प्लस टू नाइन, इंटू टू प्लस फोर, ओके देन 22 इंटू थ्री 66, प्लस सिक्स 72, देन इंटू फोर 72 इंटू फोर कितना होता है? 270 इंटू फोर 280 होता है, तो 72 इंटू फोर कितना होगा? 288 प्लस 8 इंटू वन प्लस टू इंटू टू प्लस फोर इंटू थ्री प्लस सिक्स इंटू फोर प्लस एट, तो ये क्या होगा? इंटू फाइव प्लस टेन, सब डबल है ना, वन टू टू फोर थ्री सिक्स फोर एट, तो फाइव टेन होगा, तो 296 इनटू 5 कैसे करेंगे? 296 को आधा करो, आधा इसका आधा होता है 148, एक जीरो लगा दो, तो 148, 1480 प्लस 10 मतलब 1490, 1490 यस, ठीक है, ओके। सो मल्टीप्लिकेशन इतना ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप टेंशन मत लो। अब मैं डायरेक्टली रॉन्ग नंबर सीरीज में जंप नहीं करूंगा, इन नेक्स्ट क्लास आल्सो वी विल डू मिसिंग नंबर ओनली, ठीक है? सो बट ये टाइम खत्म हो गया मल्टीप्लिकेशन वाला, उसके बाद है बेस्ड ऑन डिवीजन। ओके, डिवीजन को देखने का ना, डिवीजन अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज ईजी, बट आप डिवाइड करेंगे तो इजी डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज मैं आपको ये वाला सीरीज देता हूँ, सपोज ये वाला देखो, ये वाला सीरीज देखो, 240 48 12 42, डिक्रीजिंग सीरीज है, डिक्रीजिंग सीरीज है और एब्रप्टली डिक्रीज हो रहा है, 240 से डायरेक्ट 48 में आया, फिर थोड़ा थोड़ा करके डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये डिवीजन है, डिवीजन है, ठीक है? आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 240 पहले डिवाइड हुआ है 5 से, फिर ये डिवाइड हुआ है 4 से, फिर ये डिवाइड हुआ है 3 से, और ये डिवाइड हुआ है 2 से, बट हमको डिवीजन वाला ऐसे पढ़ना ही नहीं, कैसे करेंगे बोलो? एनी शॉर्टर वे यू कैन थिंक, टेल मी, माइक ऑन करके यू कैन टेल मी, एनी शॉर्टर वे? डिवीजन को ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे पढ़ेंगे? बिकॉज सी डिवाइड, डिवीजन इज वेरी डिफिकल्ट। हाँ, मल्टीप्लीकेशन बैकवर्ड्स, वेरी गुड। देखो, इस इधर से इधर जाने में अगर डिवाइड हो रहा है नंबर, तो इधर से इधर जाने में नंबर मल्टीप्लाई होगा, तो इधर से आप मल्टीप्लीकेशन देख लो, आप राइट हैंड साइड से मल्टीप्लीकेशन देख लो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48, और 48 इंटू 5 240, ठीक है? सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिवीजन अगर होगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लीकेशन ही होगा, ठीक है? तो उस तरह से हम लोग इसको वेरी इजीली निकाल सकते हैं, डिवीजन का क्वेश्चन, ठीक है? चलिए ट्राई कीजिए आप लोग, पहले ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। वेरी फास्ट यार, आपका स्पीड बहुत अच्छा है।
आ रहा है ना, 990 समथिंग, सो इट्स वेरी गुड, 9909, हाँ ये आ रहा है ना, ओके सही है। एनीवन एल्स? पैटर्न, पैटर्न क्या है बोलो, पैटर्न बोल दो, हो जाएगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये डिवीजन है, नंबर स्टार्ट हुआ है 7623, बहुत बड़ा नंबर है, बट एकदम 2.2 तक चला गया, तो ऑब्वियसली ये डिवाइड होके गया होगा, ठीक है, ऑब्वियसली डिवाइड होके ही गया होगा, कुछ दूसरा उपाय तो नहीं है, ठीक है। सो पहले कुछ नहीं है, उसके बाद है 7623, हाँ 57911, यस 693, उसके बाद है आपका 693, उसके बाद है 77, फिर 11, फिर 2.2, ये 2.2 का 5 टाइम्स है ना, ये तो इजी है ना, 2.2 का 5 टाइम्स ही 22.11 होगा, ठीक है, और ये भी इजी है 7 टाइम्स, ये 5 हुआ, ये 7 हुआ, हो सकता है ये 9 हो सकता है या फिर 11 भी हो सकता है, ठीक है, दो चांस है, अगर प्राइम नंबर होता है, यहाँ पे फंसना मत आप लोग, कभी कभी यहाँ पे 11 का मल्टीप्लीकेशन भी रह सकता है, ठीक है, सो आप आग बंद करके 579 मत दे देना, ठीक है, यहाँ पे अभी 9 है बट 11 भी रह सकता है, बट ये ऑड नंबर सीरीज है, कैसे पता चला, 77 का 10 टाइम्स 770 होगा ना, 770 होगा, बट ये नंबर तो 770 से कम है, तो ये 9 टाइम्स होगा, ठीक है, तो ये 579, तो ये ऑब्वियसली 11 होगा, ठीक है, और ये ऑब्वियसली क्या होगा, 13, तो 7623 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये क्या होगा, 76230, पहले 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस 7623 इंटू 3 कर दो, 76230 प्लस 33 9, 32 6, 318, 618 1721 22, सो इधर आएगा 9, इधर 9, इधर 0, इधर 9, इधर 9, तो क्या आएगा 99099, ठीक है, सबका आंसर आ गया ऑलमोस्ट, ओके। आप लोग आज सिंप्लीफिकेशन वाला शीट प्लीज कंप्लीट कर देना, और कुछ भी डाउट होने से मुझे पूछना, डाउट डाउट नहीं पूछते हो यार आप लोग, आप लोग पूछते हो डाउट कहाँ, वो सब डाउट ये सब, बट करेंट सिचुएशन का भी डाउट पूछना अगर आता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, ये वाला कीजिए, ये वाला करूँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइव हंड्रेड ट्वेल्व नहीं आएगा इसका आंसर, जीरो कैसे आएगा यार, जीरो नहीं आएगा, ट्राई करो ट्राई करो, देखो बाकी लोगों का 128 आ रहा है क्या, 128 सही है, ठीक है ना, ओके सी, पहले कुछ नंबर नहीं है, फिर 256 है, फिर 256 है, फिर 128 है, फिर 32 है, और फिर 4 है, ये आप ध्यान से देखेंगे तो 4 into 8 है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये 32 into 4 है, ठीक है, 32 into 4 है, मैं बैकवर्ड्स जा रहा हूं, ये कितना है, 128 into 2, देखो 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, फिर 256 into 1,
आठ का आधा चार, चार का आधा दो, दो का आधा एक, और एक का आधा कितना होगा, एक का आधा होता है कितना, आधा, एक का आधा आधा होता है, तो हाफ 256 इंटू हाफ कितना होगा, 128। ओके, आप लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये पैटर्न क्यों, इफ अगर आपको कुछ अलग पैटर्न मिला आप मेरे साथ आर्ग्यू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्यों आया, देन मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, अगर आपको बाय चांस कुछ अलग पैटर्न मिला हो। क्लियर है ना ये फ्रेंड्स? यस, व्हाट अबाउट अदर्स, समझ में आ गया ये? यस, आ गया ना? व्हाट अबाउट अदर्स, किसी को डाउट है क्या? चलो 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 चलो, ये वाला ओके। क्वेश्चंस थोड़ा सा कम हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, डिवीजन में मुझे और थोड़ा क्वेश्चंस इंक्लूड करना चाहिए था, सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस जब करेंगे मंडे को तब मैं बहुत सारा क्वेश्चन ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है, हम लोग वन डे हम लोग सिर्फ मिसिंग नंबर को प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट रॉन्ग नंबर, ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद देखो ऑल्टरनेटिव सीरीज, ऑल्टरनेटिव सीरीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो कुछ नहीं है, एकदम तो आसान है, देखो जैसे ये वाला सीरीज है 496, 589, 499, 586, 505, 580 और 540। ऑल्टरनेटिव सीरीज मतलब क्या है कि ये एक अलग सीरीज है, ये देखो ये एक अलग सीरीज है, ये देखो ये यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ये एक अलग सीरीज है और ये एक अलग सीरीज है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव सीरीज ज्यादातर आने का चांस कब रहता है, जब पहले यहाँ पे प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पे कुछ माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर प्लस हो रहा है, फिर माइनस हो रहा है, ठीक है। अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि ऑल्टरनेटिव सीरीज एक एक्स्ट्रा बर्डन बन रहा है आपके लिए, अगर आपको ऐसा लगता है, आप सोचते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा बर्डन है, ये नहीं कर सकते, तो आप इसको ऑल्टरनेटिवली नहीं भी कर सकते, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू वॉन्ट, आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली कैसे करेंगे, देखो ये ऑल्टरनेटिव सीरीज है, यहाँ पे तीन ऐड हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऐड हुआ है कितना, छह, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, नौ, और इस सीरीज को देखेंगे तो यहाँ पे -3 हुआ है, यहाँ पे -6 हुआ है, तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वहां पे -9 होगा, ठीक है, तो 580 -9 यहाँ पे 571 आएगा। बट अगर आपको ऑल्टरनेटिव सीरीज ऐसा लगता है कि ये एक्स्ट्रा लोड है, अगर आपको ये लोड नहीं लेना है तो आप नहीं भी ले सकते, तो आप इसको सिर्फ प्लस माइनस से उड़ा दो, प्लस माइनस से उड़ेगा कि नहीं, देखो तो यहाँ पे कितना प्लस होगा, देखो यहाँ पे कितना प्लस होगा, 89 +4 93, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, देखो यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है 90 ही माइनस हो रहा है ना, हाँ 90, यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, देखो +87, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, देखो -81, यहाँ पे हो रहा है कितना ऐड, यहाँ पे ऐड हो रहा है 75, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, माइनस कितना कितना माइनस हो रहा है यार इसमें, 66, ठीक है। सब नंबर्स को ध्यान से देखिए, इन दोनों में तीन का गैप है, कुछ गलत लिखा गया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 93 नहीं होगा ना, 94 96 और प्लस कितना हो रहा है यहाँ पे ऐड, 93 है ना, सही है 93, इसमें तो पैटर्न बैठ ही नहीं रहा, एक सेकंड एक सेकंड, जनरली तो पैटर्न बैठ जाता है यार, ये 93 है, ये तो 90 है, -90 90, और यहाँ पे क्या है, 87 ही है करेक्ट, यहाँ पे 586 81 ही है, सही है 81, यहाँ पे कितना है 75 ही है और यहाँ पे 66, इसमें तो पैटर्न ही नहीं बैठ रहा है, 3 3 6 6 9 9, हाँ ये पैटर्न है, देखो इन इन दोनों में तीन का गैप है, फिर 90 और 87 में भी तीन का ही गैप है, देखो 90 और 87 में तीन का गैप है, तीन तीन,
87 और 81 में 6 का गैप है, 81 और 75 में भी 6 का ही गैप है, तो 3 3 6 6, फिर 75 और 66 में 9 का गैप है, तो 514 में नेक्स्ट जो नंबर ऐड होगा उसका और 66 में भी 9 का ही गैप होगा, मतलब कितना ऐड होगा 57, तो उस तरीके से भी 571 ही आता है। ठीक है, अगर आपको ऑल्टरनेटिव सीरीज समझ में नहीं आता है, क्योंकि मुझे ये कभी भी समझ में नहीं आता, मैं इसमें ब्रेन भी यूज नहीं करता हूँ, बेकार है ये, हमेशा कभी भी ऑल्टरनेटिव सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है आज तक, एग्जाम में जो भी आता है ऑल्टरनेटिव सीरीज का तो नहीं आता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव सीरीज को ऐसे देखने से भी होता है कि उसको प्लस माइनस का ही आप सीरीज देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये तो डेफिनेटली इसमें तो समझ में आ रहा है ना, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ऑब्वियसली एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है, क्योंकि सारा नंबर दे आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें समझ में आया ना आप लोगों को? यस, व्हाट अबाउट अदर्स, ये चीज समझ में आया ना? सेकेंड चीज मैंने जो बोला वो समझ में आया कि नहीं? यस, आई शुड रिपीट। यस, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको ऑल्टरनेटिव सीरीज के हिसाब से देखें तो आप इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें आप ऑल्टरनेटिव सीरीज की तरह नहीं भी देख सकते, आप इसको डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट। ठीक है, तभी भी नंबर्स में पैटर्न निकलेगा ही, हमेशा निकलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे -93 प्लस, सर अगर हम लोग +93 और -90 का गैप ले तो 3 आ रहा है, फिर -90 और +87 का गैप ले तो 9 आ रहा है, तो उस तरह से भी पैटर्न फॉलो हो रहा है, फिर 12 का गैप आ रहा है। नहीं, 12 का कहाँ गैप आ रहा है, आप साइन को कंसीडर मत करो, साइन को कंसीडर मत करो, सिर्फ नंबर्स में गैप देखो, 93 और 90 में कितना गैप है 3, 87 और 90 और 87 में कितना गैप है 3, 87 और 81 में गैप है 6, 81 और 75 में भी 6 गैप है, तो 3 3 6 6, फिर 75 और 66 में 9 का गैप है, तो नेक्स्ट जो नंबर होगा 66 से 9 माइनस ही होगा, 66 माइनस 9 57 होता है, बट साइन तो पॉजिटिव आएगा ना, क्योंकि साइन तो चेंज हो रहा है ना, प्लस माइनस। सर अगर साइन कंसीडर करें तो पैटर्न फॉलो हो रहा है 3 9 12 इस तरह से, तो वैसे माइनस 3 साइन कंसीडर कर लेने से पैटर्न फॉलो नहीं होगा, कुछ पैटर्न नहीं है साइन। सर ये मतलब 6 9 12 अगर हम लोग साइन कंसीडर करें तो, हाँ तो पैटर्न आ रहा है 6 9 12 का। कहाँ 6 मिला आपको, कौन सा बोलो, आप क्या बोल रहे हैं, 93 और 90 में 6 कैसे मिला? सर 183 से अगर -177 करें तो 183, मतलब समझ में नहीं आ रहा है 183 क्यों लेना है, मतलब आप क्लियरली बोलो, मुझे थोड़ा समझाओ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। सर मतलब अगर 93 और माइनस माइनस 90 करे तो 183 आ रहा है। okay, हाँ सही है। हाँ फिर, हाँ तो फिर 177 आ रहा है उसी तरह से नेक्स्ट नंबर yes, में करेक्ट करेक्ट 177 आ रहा है। हाँ फिर मेरा आया 168। हाँ 168। हाँ तो फिर उसका अगर हम लोग पैटर्न फॉलो करके अगर उसका डिफरेंट मतलब डिफरेंस ले तो 6 9 12 आया। ओके ओके, हाँ हाँ, तब ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं हो जाएगा? हाँ सर, तो मतलब इस तरह से अगर हम लोग प्लस माइनस इतना अगर दिमाग में ना आए तो ये हाँ, कर सकते हैं, लेकिन आप ऑल्टरनेटिव में भी जा सकते हैं ना, ऑल्टरनेटिव भी चेक कर सकते, ऑल्टरनेटिव तो ज्यादा इजी है, जस्ट मैंने बोला कि आप ऑल्टरनेटिव अगर ब्रेन में नहीं रखना है तो ये करो, लेकिन ऑल्टरनेटिव तो बहुत इजी है, देखो ऑल्टरनेटिव देख लो, +3 यहाँ पे +6 फिर +9 उसी तरह इसमें भी -3 -6 -9 वो ज्यादा इजी है। ये वाला वो नहीं है, एक मिनट, ये वाला वो नहीं है,
296 अल्टरनेटिव है ना, ये अल्टरनेटिव से बना लो, प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस टू प्लस फोर, यहाँ पे ही प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे देखो एक चीज क्या है ना ऑल्टरनेटिव में, इसीलिए आपको बोल रहा था ऑल्टरनेटिव में ना प्रॉब्लम क्या है बताओ। ऑल्टरनेटिव में देखो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला सीरीज में, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका आंसर करेक्ट हो सकता है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम क्या है देखो, 290 201 फिर डैश, अगर आप इसको अल्टरनेटिवली सोचेंगे तो यहाँ पे पैटर्न बन रहा है कि यहाँ पे प्लस वन है, यहाँ पे प्लस थ्री है और यहाँ पे प्लस फाइव है, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो नेक्स्ट जो 201 में एक जंप मारेंगे तो ये जो नेक्स्ट नंबर है वो तो 100% है कि 208 ही आएगा, क्योंकि तीन नंबर मिल गया 135 है तो नेक्स्ट नंबर 7 आएगा, आपको 100% श्योर है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है बताए, अगर आप इन दोनों नंबर को देखेंगे ना, यहाँ पे दो एड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है चार, तो यहाँ पे आपको कैसे पता ये छह है, ये तो आठ भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है ना, ये आठ भी तो हो सकता है ना, दो चार आठ भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऑल्टरनेटिव सीरीज मतलब, क्योंकि दो दो नंबर से कभी भी आप थर्ड नंबर को Can we consider up and down type? Can't we consider up and down means? Minus plus, no? Up and down means what? Minus plus? Sir, अगर वैसे देखे कि 1, 2, 3, 4, 5 तो definitely वो next 6 ही आएगा ना? हाँ, वैसे देख सकते हैं, but अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अगर अगर examiner ने इस ऊपर वाला में अलग pattern चलाया और इधर अलग pattern चलाया तो? नंबर सीरीज में तो कोई पैटर्न आपको डेफिनेट नहीं है ना, वो तो कुछ भी पैटर्न वो सोच के दे सकता है। प्रियंका आप बोलिए क्या, हाउ कैन वी डू अप एंड डाउन मींस व्हाट, आप जो सोच रहे थे वो मैं भी सोच रहा था कि 135 है तो 246 होना चाहिए, मतलब इवन और ऑड। बट क्या पता यार, दैट ओनली और दैट मींस दैट माइनस प्लस नो, ठीक है। सो ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, ठीक है। आपका लॉजिक सही है कि 2, 4 के बाद 6 ही आना चाहिए क्योंकि 1, 3 के बाद 5 है, बट एक बार दूसरी तरह से चेक कर लो, क्या पता दूसरा कुछ आ जाए, ठीक है। सो ये ऑल्टरनेटिव सीरीज वाला ना मतलब डाल तो दिया है मैंने, बट ये उतना वो नहीं। यहाँ पे देखो कितना ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है बोलो तो, टेल मी हाउ मच इज बीइंग एडेड, 92 94 माइनस 7 91 यहाँ पे कितना माइनस हुआ है 84 माइनस 7 91 यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 90 93 93 यस यहाँ पे कितना माइनस हुआ है 90 90 माइनस हुआ है ना यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 84 और यहाँ पे कितना माइनस हुआ है 89। ये तो फिर अलग अलग आ गया, साइन को छोड़ के देखो यहाँ पे माइनस वन हुआ है, प्लस टू, माइनस थ्री, अरे यार ये तो फिर गड़बड़ हो गया, ये तो कोई पैटर्न ही नहीं है, घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है घट रहा है फिर भी घट रहा है, ये प्रॉब्लम है इसमें। इसमें आप लोग जैसे सोच रहे थे वो भी ठीक है, लेकिन ऐसे अगर करते तो इसमें कुछ पैटर्न तो बैठ नहीं रहा है, क्योंकि एक बार रिड्यूस हुआ फिर इंक्रीज हुआ फिर रिड्यूस हुआ फिर इंक्रीज ही होना चाहिए। ये 94 है ना, 94 है ये और ये 89 सही है। देखो पहले माइनस हुआ, माइनस वन प्लस टू, फिर माइनस थ्री, फिर प्लस फोर, फिर माइनस फाइव, फिर क्या होना चाहिए प्लस सिक्स, 89 प्लस सिक्स कितना होता है 95, मतलब प्लस 95 तो 296, तो आपका आंसर भी सही था, ठीक है आपका आंसर भी सही था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चीज ऑल्टरनेटिवली मतलब कभी कभी रिस्की हो जाता है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू गो आप जा सकते हैं, बट देखो यार क्या होता है, अब अगर ऑप्शन में दोनों ऑप्शन है तो तब आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है,
कि 296 भी है और 298 भी है, ठीक है, क्योंकि कहीं भी ऐसा नंबर सीरीज में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑल्टरनेटिवली अगर ऑड नंबर का पैटर्न आ रहा है तो उधर इवन नंबर का ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पैटर्न अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है, वो उसमें कुछ लिंक नहीं है, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि आप इसमें ही रहिए, स्टिक कीजिए, माइनस प्लस से करो, वो ज्यादा ईजी है, ठीक है, मतलब सेफ है। इजी तो ज्यादा वो ऑल्टरनेटिव है, बट ये ज्यादा सेफ है, इससे आंसर मैच होने का प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है देन यू कैन गो फॉर दिस दैट ऑल्टरनेटिव आल्सो। क्लियर है ना फ्रेंड्स, इज इट क्लियर, कैन आई मूव फॉरवर्ड? सेम चीज है ये, सेम चीज, 92 91, साइन को कंसिडर नहीं किया मैंने, सिर्फ माइनस प्लस देखा बस। ठीक है, कैन आई मूव फॉरवर्ड बोलो, या फिर ये इसमें डाउट है क्या कुछ, बोलो, डाउट है तो पूछ लो। क्लियर है ना, ठीक है, चलिए चलिए, ओके। नेक्स्ट सीरीज है हमारा फिबोनाची। फिबोनाची इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग देख लो, फिबोनाची कुछ नहीं है। फिबोनाची मतलब, फिबोनाची एक ऐसा सीरीज है जहां पे जो ये जो थर्ड नंबर है ना वो पहला दो नंबर का एडिशन से आएगा, ठीक है। देखो 5 + 6 कितना होता है, 11, 11, 6 + 11 कितना होता है, 17, 11 + 17 कितना होता है, 28, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा बोलो। 5 + 6 होता है 11, 6 + 11 होता है 17, 11 + 17 होता है 28, तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 45, ठीक है। ये है फिबोनाची सीरीज, ये मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बट हमारे लिए उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ 45, ठीक है। अच्छा अगर मैं फिबोनाची सीरीज इसका बनाऊं, तो यहां पे क्या आएगा देखो, तो क्या आएगा नेक्स्ट नंबर फिबोनाची सीरीज का, 18, ठीक है ना, 18। हाँ 1 + 3 = 4, 4 + 3 = 7, 7 + 4 = 11, 11 + 7 = 18, ठीक है। तो आप लोग इसका भी बता दो, बताओ इसका क्या आएगा, हंड्रेड ट्वेल्व। हाँ 112 सही है, 112, ठीक है। इन दोनों का एडिशन सही है, 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 सिंपल है, ठीक है। आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, फिर भी एक बार देख लेना, एक बार मतलब दिमाग में रखना कि ऐसा भी सीरीज हो सकता है, ओके ओके। उसके बाद हम लोग मिसेलिनियस पैटर्न्स डिस्कस करेंगे, यहाँ पे आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बट आप लोग ट्राई करना, ठीक है। इसमें मुझे भी प्रॉब्लम होगा, ये डिफिकल्ट है बट आप लोग ट्राई करना, मैं भी ट्राई करूंगा, लेट्स फाइंड आउट द आंसर, ठीक है। ये फिबोनाची क्लियर हो गया ना, फिबोनाची समझ में आ गया, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ दो का जो सम है वो तीसरा नंबर होगा बस, ठीक है, ओके। ये वाला ट्राई कीजिए, डू दिस, ट्राई करो, आई विल गिव यू एम्पल टाइम, जस्ट ट्राई। नहीं लेट से करूंगा, कीजिए होगा,
ओके एनी अदर आंसर दे दो तो एट कैसे आया क्या पैटर्न यूज किया इसमें डबल डिफरेंस से बन रहा है क्या ये डबल डिफरेंस से कैसे बनेगा डबल चार नंबर है चार नंबर में डबल डिफरेंस में तो दो ही नंबर आएगा दो नंबर से पैटर्न नहीं बन सकता है चार नंबर है ना तो डबल डिफरेंस में तो दो ही नंबर आएगा तो दो नंबर से यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द थर्ड नंबर यू कैन नेवर प्रेडिक्ट एनी नंबर यूजिंग टू नंबर्स एक पैटर्न बनाने के लिए मिनिमम थ्री नंबर्स चाहिए तभी आप पैटर्न को प्रेडिक्ट कर सकते अदरवाइज यू कैन नॉट आप लोग ट्राई कीजिए अपना आएगा आंसर 33.6 किसी को समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे देखो तो किसी को समझ में आया कि नहीं कैसे निकाला कैसे निकाला बोलो तो समझ में आ गया तो बताओ कैसे निकाला कहां से पकड़ा क्वेश्चन को कहां से पकड़ा बोलो तो Tell me, how one? Yes, very good. 168 और 84 से पकड़ा है क्वेश्चन को. Very good. यहां से पकड़ा है क्वेश्चन को. यहां से देखो यहां पे नंबर हाफ हो रहा था ठीक है यहां पे नंबर हाफ हो रहा था यहां पे अगर आप देखेंगे ना तो क्या नंबर डिक्रीज हो रहा है वो देखो क्या नंबर डिक्रीज हो रहा है देखो यहां पे डिक्रीज हो रहा है 120 यहां पे कितना डिक्रीज हो रहा है 112 यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है 84 ये तीन नंबर में कोई लिंक नहीं है आपस में देयर इज नो लिंक बिटवीन दिस थ्री नंबर्स ठीक है बट एक लिंक है कि आप अगर देखेंगे थोड़ा सा अगर स्ट्रांग होगा ना ये कैलकुलेशन तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो नंबर माइनस हो रहा है वो 112 है और यहाँ पे जो नंबर है वो 28 है और 112 जो होता है ना वो 28 का चार गुना होता है चार गुना मतलब जो नंबर माइनस हो रहा है ना वो 40% माइनस हो रहा है 40% अगर 40% माइनस होता है तो बचेगा कितना 60% 6/10 ठीक है अगर आपको इतना समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे देखो कि 112 माइनस हो रहा है ये 28 का 4 टाइम्स है 280 का 10% होता है 28 और एक चीज यहाँ पे आपको और एक चीज मिल गया था कि यहाँ पे 84 है तो यहाँ पे देखो देखोगे तो ये तो आधा हो रहा है मतलब 50% माइनस हो रहा है ठीक है 50% माइनस हो रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 112 माइनस हो रहा है 112 जो होता है वो 28 का कितना परसेंटेज होता है 28 28 टाइम्स 4 होता है तो यहाँ पे माइनस हो रहा है 40% ठीक है फिर यहाँ पे अगर आप 400 को देखेंगे तो 400 से कितना घट रहा है
120 घट रहा है। 120 जो नंबर है ना वो 400 का कितना परसेंट है? 400 का 10% होता है 40, तो 120 होगा कितना परसेंट? 30%। यहाँ पे 30% माइनस हो रहा है, यहाँ पे 30%, 40%, 50%, तो यहाँ पे कितना माइनस होगा? 60%। ये पैटर्न है, ठीक है, ये पैटर्न है। डिफिकल्ट है आई नो, बट एक बार देख देख के रख लो। आई एम नॉट प्रेशराइजिंग यू कि ये इसको करना ही है। क्वेश्चन रियलिटी में ये सब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट मेंस में आ सकता है, बट जनरली नहीं आता है, ठीक है। बट स्टिल आपको पता होना चाहिए कि किस किस टाइप से जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है ना ये? टेल मी इज इट क्लियर? कहां से आइडेंटिफाई किया वो समझना जरूरी है। यहाँ पे देखो जो भी नंबर माइनस हो रहा है वो इस नंबर का कुछ परसेंटेज है। यहाँ पे जैसे 112 माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस हुआ कितना? 84। तो सारा ये जो जिस नंबर से माइनस हो रहा है उसका कुछ रेस्पेक्टिव परसेंटेज है, ठीक है। जैसे 400 का 10% 40 है, तो जो 120 है वो 30% है। 280 का 10% है 28, तो 112 उसका 40% है। सिमिलरली 168 में 84 माइनस हुआ है तो वो उसका 50% है। उस तरह से जाना है, 30, 40, 50, फिर 60%। चलिए ये वाला सोच कीजिए, ये सब इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा सा क्लास स्ट्रेच करूंगा, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट्स बस। ये 108.7। हाँ माइनस तो होगा, माइनस तो होगा। क्या पैटर्न है बोलो? ऑल्टरनेटिव 3.7, 3.7, 3.7 मतलब यहाँ पे तो 26 ऐड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? यहाँ पे ऐड हुआ है 112 और 122, मतलब 10.2। यहाँ पे ऐड हुआ है 10.2। यहाँ पे कितना माइनस हुआ है? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो माइनस हुआ है, माइनस हुआ यार इसमें। एक तो आप लोग एक काम करो, ये इसको हटा दो, इसमें डेसिमल को हटा के देखेंगे। डेसिमल में कंफ्यूजन होता है, डेसिमल को हटा दो। 1124, 1236, 1087, ये ज्यादा इजी है। 1273, 1050, ठीक है, 50 होगा। अगर डेसिमल हटाया मतलब एक जीरो लगेगा ना, ठीक है। और ये 1310, अभी देखो अभी कितना ऐड हुआ है? 12 ऐड हुआ है। यहाँ पे कितना माइनस हुआ है? यहाँ पे कितना माइनस हुआ है? 1236 और 1087, 13 और 136, 149। यहाँ पे कितना ऐड हुआ है? 200 से 14 का मतलब 184 ऐड हुआ है।
200 से 14 कम ना, 186 ऐड हुआ है। यहाँ पे कितना माइनस हुआ है, 1250, 200 और 23, 223। और यहाँ पे प्लस कितना हुआ है, 300 से 40 कम, 260, 260। क्या पैटर्न है, पैटर्न बोलो। पैटर्न क्या है, पैटर्न ही तो समझ में नहीं आ रहा है इसमें। सर और माय सर बैकग्राउंड डिस्टरबेंस है। कोई बात नहीं ब्रो। अल्टरनेटिव प्लस 3.7 फिर प्लस 5.6। अल्टरनेटिव भी प्लस 3.7 प्लस 5.6। सर मैंने मैंने डेसिमल ओके यहाँ पे माइनस 3.7 फिर यहाँ पे भी माइनस 3.7 तो यहाँ पे भी माइनस 3.7 ही होगा। सर पहले डिफरेंस लिया है उसके बाद उसका फिर मतलब डबल डिफरेंस में अल्टरनेटिव आपका 3.7 प्लस 3.7 फिर माइनस 5.6। ओके ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन को ट्राई करना, तो ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा। आप लोग आप जो बोल रहे हैं शायद वो सही है। पहले डिफरेंस लिया ना, पहले ही मतलब डिफरेंस लिया तो मैं यहाँ पे भी आ जाना चाहिए ना, मेरा मेरा यहाँ पे भी एक ही बात है, मैंने डेसिमल को तो हटा ही दिया तो इसमें भी आना चाहिए अगर आप जो बोल रहे हो वो सही है। तो यहाँ पे गैप मतलब साइन को कंसीडर नहीं करके अगर गैप लू तो 137 है और यहाँ पे जो गैप है वो कितना है, 36 और 37 है और यहाँ पे गैप कितना है, 37 है और यहाँ पे गैप कितना है, ये भी 37 ही है पर यहाँ पे तो गैप 137 है। कैसे बनेगा अगर आपका डेसिमल में बन रहा है तो मेरा विदाउट डेसिमल भी तो बनना चाहिए ना, गैप तो सेम ही होगा है कि नहीं। सॉरी सॉरी ये 100 ये तो वो है ना, ये 112 ही है, सही है। देखो सारा का सारा 37 है, ठीक है ऐसे बनेगा, सही है। डबल डिफरेंस में 3.7 का गैप है, 37 का आ गया ना समझ में, इसको कर लेना, इसको इसका आंसर आप लोग निकाल लेना क्या आएगा, मैं इसको नहीं निकालूंगा। पैटर्न देख लिया ना, देखो यहाँ पे 1124 और 112 एड हो रहा है, ठीक है तो फिर सब में देखो 37 का गैप है, देखो इधर भी 30, साइन को कंसीडर मत करो, 37 37 फिर 37 फिर 37 तो नेक्स्ट फिर 37 होगा, मतलब 260 और 37 होगा 297 बट माइनस होगा तो आंसर होगा 1310 माइनस 297, यानी कि अगर 300 माइनस होता तो 1010 होता बट 1013 होगा, मतलब 101.3। ठीक है चलो ये होगा आंसर। चलो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द क्लास, ट्राई करना बाकी वाला करने का। और एक चीज एक बार सुन लो, ये जो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस है ना पीडीएफ में, इसको कंप्लीट करने को ट्राई करना, ठीक है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है और सारा इजी है, एकदम इजी इजी क्वेश्चन है। हम लोग मीडियम से डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है चलो चलो थैंक्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट।